व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं इजराइल ने बोला है कि उनको 1,00,000 इंडियंस भारतीय लोग चाहिए अपने देश को दोबारा से संवारने के लिए, और बहुत सारी फील्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी वहां पर है, वो चाहते हैं कि इंडियंस वहां पर आके करें, ना कि किसी और कंट्री के, खासकर ना कि पाकिस्तान के। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, देखते हैं इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया आई है। बाकी आप लोग कहां से देख रहे हैं जरूर बताना, जय हिंद जय भारत लिख देना, और सबको पता है कि भैया भारत से बढ़िया कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि जब मदद करने वाली बात आती है तो सबसे आगे रहता है। बिल्कुल, 1, 2, 3 डॉक्टर साहब, एक और बड़ी खबर आई है कि इसराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1,00,000 वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद आप वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इसराइल को असला भी दें। और वो खबर ये है कि इसराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इसराइल 1,00,000 इंडियंस को जॉब्स देगा। है कि अब इंडिया 1,00,000 लोगों को, बहुत बड़ी बात है, में जाएगा। तो ये तो फलस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूं कि द इंपॉर्टेंट थिंग इज के इंडियन जो वर्कर्स हैं, दे आर मेकिंग एन इंपैक्ट। तो इसकी वजह ये है कि जो तकरीबन 90,000 फलस्तीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। इत्माद बनाया, बिल्कुल इत्माद बनाया हुआ उनकी उधर, इतनी इज्जत है कि बंदा सोच नहीं सकता। हम जहां पे जाके बोलते हैं, पहले तो हम बोलते थे ना वी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, लेकिन यकीन करें कि अब शर्म आती है जिस तरह की इन्होंने बहुत सारे गंदे काम किए हुए हैं उधर। बिल्कुल पाकिस्तानी जा कहते हैं कि हम इंडियन, ऐसा सुनने में आया वो ऐसे ही। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फॉरन भारत में स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले गए। और मेरे बतने जी से किसी को कोई पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग। हमारा ख्याल ये है कि अमेरिका को हमारे साथ भी खफा नहीं होना चाहिए। लगता तो ये है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहाँ चले जाएंगे फॉर जॉब्स। दार साहब, एक और बड़ी खबर आई है कि इसराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1,00,000 वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद आप वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो होता है बेनिफिशरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इसराइल को असला भी दें, बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान से असला लेके यूक्रेन को दिया गया बिकॉज कंपैरेटिवली चीप पड़ता है वो, तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड असला है वो जारी बात है वेस्टर्न मंडियों की नस्बत तो वीक कमजोर सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे कम होती है। तार साहब, इसको कैसे देखते हैं कि अब इंडिया जो है वो इसराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फायदा इंडिया का है, वैसे ही आउट है गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूं कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज के इंडियन जो वर्कर्स हैं, दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। तो हाउ डू यू सी दिस इज़राइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? लगता तो ये है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, इंडिया तो बिल्कुल, और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब्स। इंडिया बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। 18,000 इंडियन थे इस वक्त जंग से पहले, 18,000 थे वहां सामने आए थे, 18,000 इंडियन थे इजराइल का। और आई एम सरप्राइज उसमें तीन इंडस्ट्री में थे, एक तो जो सीनियर केयर थी उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेस थी, दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मोनोपोली है गुजरात की डायमंड इसराइल की, तो डायमंड इंडस्ट्री में से, तीसरे थे के आपके एजुकेशन सेक्टर में, अच्छा कंप्यूटर रिलेटेड। तो वो तीनों पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते चीमा साहब, अगर देखा जाए तो। अब और अच्छा पैकेज देता है इसराइल, पैसा अच्छा मिलता है। आप हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज, मुझे इससे भी ज्यादा जो एक खबर मैं जो मैंने अगले दिन देख के हैरान हो गया था कि रशिया से उनकी तेल की वो एक तो इशू बन रहे हैं पूरी दुनिया में तेल के बनेंगे आगे, और मैं बल्कि हैरान था इस वक्त चीमा साहब, जंग के असरात दो चीज़ों पे हो गए, खुराक पे, गंदम पे, और दूसरा पेट्रोलियम पे, इसकी वजह से और पूरी दुनिया फिर दोबारा रिसेशन की तरफ जाना जाएगी दोबारा। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पर था कि फौरन भारत ने स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले गए। इंडियन बहुत तरीके से डील करता है सिचुएशन कैसे भी हो, पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग।
हम पाकिस्तान का कोई इधर तो उधर नहीं, पता ना अभी पॉलिसी क्या बनानी है इस सारी दुनिया के क्राइसिस के अंदर। तीन क्राइसिस जो है इस वक्त जो रिसेंट पूरी दुनिया फेस कर रही है, कोविड के बाद आपका अभी तक सप्लाई चेन पूरा बहाल नहीं हुआ था, नंबर वन। दूसरा यूक्रेन की वार ने सक किया सारी इकॉनमी, पूरी दुनिया की इकॉनमी। अब तीसरा झटका इस चीज का है और सारी दुनिया फिर दोबारा फेस करेगी रिसेशन। तो मेरे वतन अजीज कहाँ जाएंगे वो, मेरा मकसद, किसी ने आज तक, मैं शॉक हूं चीमा साहब, आज तक मैं शॉक अभी तक इस चीज में कि आज तक इंक्लूडिंग फ्रॉम इमरान खान, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, तरक्की कभी देखी नहीं इन्होंने, विजन नहीं लिया। और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट, और चौथा मेरा जो अभी नया प्राइम मिनिस्टर, और काकड़ साहब, इंग्लिश बड़ी अच्छी, आज तक किसी ने रोड मैप दिया है कि वही विजन नहीं, कुछ नहीं, क्या करना है आगे, फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं। सिर्फ एक बंदे ने बात की है, आसिम मुनीर ने, वो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड, और उसको भी किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। मैं तो उसको क्रिटिसाइज तो खैर करूंगा कि दिस इज नॉट द आर्मीज जॉब, लेकिन फिर भी उसमें बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान ही है ना, ये बात तो करनी चाहिए थी नवाज शरीफ को, बात करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ को। और वो खबर ये है कि इसराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इसराइल 1,00,000 इंडियंस को जॉब्स देगा। अच्छा, अब ये जॉब्स की जगह कैसे बनी है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखें, आप जानते हैं कि इसराइल में जो वहां पे कंपनीज हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियंस भी काम करते हैं। पैलेस्टीनियंस जो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो कि इस जंग में वो इसराइल के खिलाफ नहीं है, या वो ये कह रहे हैं कि हमास जो है वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसकी वजह ये है कि वहां पर रोजगार जो है बहुत ज्यादा रोजगार ऐसी कंपनीज से पैलेस्टीनियंस का लगा हुआ है कि जो कोई इसराइल से वाबस्ता है। अब इसमें जो इसराइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें रिपोर्टेडली जो है, अब उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1,00,000 इंडियन वर्कर्स। इसकी वजह ये है कि जो तकरीबन 90,000 फेलस्तीनियंस जो कि वहाँ पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहाँ पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है, और बहुत सारे तो जो हैं वो उस जंग के दौरान ही नहीं कर पा रहे, और बेशुमार ऐसे हैं कि जिनका वैसे भी जो हालात और ताल्लुक आते हैं उसमें वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। तो इस बिना पर अब इसराइल को वर्क फोर्स की जरूरत है, जिसमें इंडिया को इस वक्त बहुत बड़ा ये फायदा हो रहा है। इसराइल और इंडिया के क्योंकि डेकेड्स पुराने रिलेशंस और बहुत ही मतलब वो तो बिल्कुल साथ खड़े हैं, एक ऐसे दोस्तों की तरह जो है वो जाहिर है, उसमें उनको समझते हैं वो कि इंडिया जो है वो वहां से वर्कर्स लें, और उन्होंने कहा है कि हम इस सिलसिले में निगोशिएट कर रहे हैं और हम ये इंतजार कर रहे हैं उस डिसीजन का कि जो इसराइली गवर्नमेंट जो है वो इसको अप्रूव करे। ये फर्क होता है, देखो सच्चाई में बताता हूँ यहाँ पर ना, अब लोग तो ये कह देंगे कि भैया हमने तो कुछ गलत करा नहीं था, हमारे साथ क्यों हो रहा है, जो पलस्तीनी जो लोग जॉब कर रहे थे। मैं बताता हूँ, एग्जांपल ले लो पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आपको पता है कि किस तरीके से ये उग्रवादी रहते हैं, तो उनके ऊपर काम नहीं करती वहां की गवर्नमेंट, है ना। तो उस वजह से फिर जब आप देखोगे तो उस वजह से उस कंट्री की इमेज कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, और वहां के लोगों को फिर अच्छे पैकेजेस या अच्छी कंट्रीज में ढंग से जॉब नहीं मिल पाती है। और दूसरी बात है फिर उनको भी ऐसे ही देखा जाता है कि ये उस कंट्री के, इसलिए मैं सबसे पहले तो कहूँ मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुआ। हम ऐसे कहते रहते हैं, लोग कहते हैं कि अमेरिका बढ़िया, ये बढ़िया, अगर आप ओवरऑल अगर आप जज करोगे ना तो सबसे बढ़िया कंट्री इंडिया है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रीडम भी है, आप एक सेफ एनवायरनमेंट में रह रहे हो, बहुत चीजें हैं, डेवलप भी हो रहा है इंडिया, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कमियां निकालेंगे तो हर देश में कर जाएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंडिया इस टाइम पर सबसे बेहतर प्लेस है, और गर्व होता है मुझे यहाँ पर कि भैया भगवान की कृपा से हम इंडिया में रह रहे हैं। और नहीं तो ये देख लो जो पाकिस्तान में, वो भी कहते हैं कि यार वहां का तो माइंडसेट ये कि बाहर निकल जाता है कहीं और, किसी और कंट्री में जॉब लग जाए, वही बेटर समझते हैं वहां के लोग। बाकी ये जो डिसीजन है इसराइल का बहुत सही है, क्योंकि उनको ये पता है कि वो काम के लिए लॉयल रहते हैं इंडिया के लोग, और इंटेलिजेंस भी बहुत स्ट्रांग है, मेहनती भी है इंडिया के लोग, ये चीज तो है। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू, जरूर कमेंट करके बताना। बाकी अब मुझे बहुत मुश्किल है कि इनके रिलेशन पता नहीं कब जाके ही ठीक होंगे आपस में, पलस्तीन के इसराइल के, बहुत मुश्किल लग रहा है। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।